MSME Minister Kalraj Mishra, speaking to reporters in the national capital, said that around 25 crore families are dependent on the micro, small and medium enterprises. Kalraj Mishra said that the whole economy depends on MSME and hence it is called the backbone of the economy. He said in terms of GDP, its contribution is 8%, in infrastructure is 45% and in export it is 40%. मैंने अनुभव किया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस एक ऐसा मंत्रालय है जिस मंत्रालय के ऊपर देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है और इसीलिए कहा गया कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसीलिए कहा गया कि जीडीपी में योगदान इसका 8% का है, निर्माण में 45% का है और निर्यात में एक्सपोर्ट में 40% का है। इस समय जो इकाइयां हैं 3,60,00,000 की है और 8 करोड़ के ऊपर बेरोजगार नौजवानों का समायोजन है। लगभग 25 करोड़ परिवार इस समय इस पर निर्भर करते हैं। He said MSME was the way forward for job creation through entrepreneurship. He said small entrepreneurs were the solutions to big things. प्रभावी एक ऐसा माध्यम है कि जिस माध्यम से अधिकाधिक इंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाए, उद्यमी को तैयार किया जाए, तो छोटे उद्यम विकसित तो होंगे ही, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है उस बेरोजगारी की समस्या का सर्वाधिक समाधान हो सकेगा। और मैं इसको इस दिशा में लिया हूं कि एमएसएमई इंटरप्रेन्योरशिप और बेरोजगारी समस्या का समाधान इन दो को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करते हुए इनका निर्माण कार्य फिर उसकी मार्केटिंग ये जो बाकी की सारी चीजें आगे चलकर बढ़ेगी अगर इसको हम व्यवस्थित तौर पर करें तो निश्चित रूप से देश के सामने जो बेरोजगारी की समस्या का विकराल स्वरूप निर्माण हुआ है उसका समाधान भी हम कर सकते हैं और छोटे छोटे उद्यमियों के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण डिफेंस में भी हम जाते हैं एविएशन में भी जाते हैं। He said a policy for MSME was crucial. He said this is one of the priorities for the government of the day. एमएसएमई का जो कानून है और जिसके कारण उसके अंदर जटिलताएं हैं परेशानी जा रही है तो एमएसएमई की पॉलिसी हम एक बनाए अभी एमएसएमई की कोई पॉलिसी नहीं है हम पॉलिसी बनाए जो भी कानून बना है उनको भी ध्यान में रखकर इसके पहले प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बना था उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसके पहले और भी रिपोर्ट्स आई उनको भी देखकर विभिन्न राज्यों के इंडस्ट्री पॉलिसीज को देखकर बाकी के देशों में जो एमएसएमई का स्वरूप है उसको देखकर सारी चीजों का अध्ययन करते हुए एक एमएसएमई पॉलिसी हम प्रस्तुत कर सकें ये भी हमारी कोशिश है प्राथमिकता है। पावर्ड बाय एनएनआईएस।